हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन माइनस सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन। इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा, वैल्यू फाइंड करनी है हमें अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन की। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन के लिए एक छोटी सी बात का ध्यान देना है आपने। आप बहुत ध्यान से देखो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बच्चे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जब तक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो क्वेश्चन आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को नोट करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन माइनस सी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस पी की मल्टीप्लाई ब्रैकेट से करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स माइनस पी एक्स माइनस पी इंटू वन माइनस पी माइनस सी। तो बच्चे ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है एक बार वो भी देख लो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस टाइप की होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहला टर्म होता है स्क्वायर वाला मींस एक्स स्क्वायर का, दूसरा टर्म ओनली एक्स, थर्ड टर्म कांस्टेंट। तो ये आप चेक कीजिए, यहां पे एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, एक्स वाला टर्म भी आ रहा है, और ये पूरा टर्म क्या हो गया कॉन्स्टेंट, माइनस पी माइनस सी क्या हो गया कॉन्स्टेंट। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, राइट। अब इसका अगला स्टेप क्या रहेगा, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो फॉर्मूलेस पता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय ए। उन्हीं दो फॉर्मूलेस का हमें यूज करना है इस क्वेश्चन में। माइनस बी वैल्यू कितनी होगी, एक्स कोफिशियंट, एक्स का कोफिशियंट है माइनस पी अपॉन ए, कितने एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यानी वन, माइनस माइनस प्लस। तो बच्चे यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई पी। अब अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते हैं, सी हो जाएगा माइनस पी माइनस सी अपॉन में ए की वैल्यू है वन, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन, तो ये आ जाएगा माइनस पी माइनस सी। ये दो वैल्यूज हमने निकाल ली है। अब जो हमें फाइंड करना है उसको नोट करते हैं, अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन। इन दो ब्रैकेट को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप देखेंगे इसी स्टेप में आगे आने वाले स्टेप्स में अल्फा प्लस बीटा आपको दिखेगा और अल्फा बीटा दिखेगा, वहीं पे इन दोनों वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, अल्फा इंटू वन प्लस अल्फा, वन इंटू बीटा प्लस बीटा, वन इंटू वन प्लस वन। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो अल्फा बीटा यानी इसकी जगह पे अभी हम माइनस पी माइनस सी पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे पी पुट करेंगे, सॉल्व हो गया हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो अल्फा बीटा की वैल्यू है माइनस पी माइनस सी प्लस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है पी प्लस वन, माइनस पी टू प्लस पी कैंसिल, यहां बचा माइनस सी प्लस वन, तो इसको मैं लिख देता हूं वन माइनस सी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन में क्या था, आपको जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन इन दो फॉर्मूलेस का यूज करके और जिसकी फिर आपको वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। आपको यहां पे अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा दिख जाएगा, इन दोनों की जगह पे ये ऊपर वाली वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा।